पूरे झारखंड में चर्चा का विषय बना हुआ है। जितने भी लोग हैं उनके समर्थन है, स्टेटस लगा रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, एक दूसरे पर बात कर रहे हैं। हालांकि ये चर्चा का विषय है ही, जिस समय हम आपको मिलाएंगे ताकि आप देखेंगे आप भी हैरान हो जाएंगे ये संभव कैसे है। इनके जो फादर हैं करीब गुरुजी हमारे साथ हैं, ये हालांकि गुरुजी थे, पारा टीचर थे, लेकिन राजनीतिक इनके अंदर कुटकुट के भरा हुआ था। अपने पिता का ये भी सपना पूरा करना चाह रहे थे, लेकिन किसी कारणवश ये भी पूरा पिता का सपना जो है पूरा नहीं कर पाए और अपनी जो नौकरी थी पारा टीचर का उन्होंने छोड़ दिया। क्या वजह था जब आपने पारा टीचर का नौकरी भी छोड़ा, सपना भी पूरा नहीं कर पाया? अभी आपकी बेटी जो है उम्मीदवार बनी और उन्होंने अपने आपके और आपके पिता का भी सपना पूरा हो गया, किस हिसाब से गदगद और क्या माहौल है? देखिए, हमारी बेटी रोशन परवीन मेराल दक्षिणी से जिला परिषद सदस्य का चुनाव जीत चुकी है। मुझे काफ़ी खुशी है, काफ़ी उत्साह है, घर में अच्छा गुतिया परिवार गांव घर में अच्छा खुशी का माहौल है। हालांकि इससे पिछले चुनाव 2015 में जब पंचायत चुनाव हुआ था तो उस समय मैं पारा शिक्षक था। 2003 से लेकर 2015 तक मैं पारा शिक्षक के रूप में मैं कार्य किया, लेकिन मेरा लगन शुरू से ही जनता का सेवा करना था। जन समस्या को लेकर के हम हमेशा आंदोलन किया करते थे, जनता के बीच हमेशा सुख दुख में हम उपस्थित हुआ करते थे। मेरा शुरू से ही सोच था कि मैं पॉलिटिकल लाइन में मैं जाऊं। मैं जब 2015 में जब पंचायत चुनाव हुआ तो 2010 में मेराल दक्षिणी क्षेत्र से मेरे पिताजी जिला परिषद का चुनाव लड़े थे, तो उस समय काफ़ी कैंडिडेट थे, उस समय पहला बार पिताजी उतरे हुए थे तो सम्मानजनक वोट मिला। लेकिन 2015 में जब पंचायत चुनाव हुआ तो लोगों का रुझान भी मेरी ओर था, सारे लोग कह रहे थे कि आप पॉलिटिकल आदमी भी हैं, और मेरा शुरू से ही सोच था कि मैं पारा शिक्षा को आज निकल मैं रिजाइन मार करके मैं राजनीति में मैं प्रवेश करूंगा। अवसर भी मुझे मिला, मैं पारा शिक्षक से मैं रिजाइन करके 2015 में मैं जिला परिषद के लिए मैं उतरा, और मेराल दक्षिणी के जनता ने लगभग 8000 जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया। चंद वोट के चलते मैं असफल रहा, और लेकिन मैं फिर भी मैं हौसला को मैं बुलंद रखा, जनता के बीच हमेशा उपस्थित दर्ज कराते रहा। वर्तमान जिला परिषद से बढ़ चढ़ करके है ना, जिला से लेके प्रखंड तक जन समस्या को लेकर के आवाज़ बनने का काम किए, जनता के बीच हमेशा संघर्ष करते रहे, और मुझे उम्मीद था कि आज निकल हमारी मंजिल निश्चित तौर पर पूरा होगा। इस बार महिला सीट अचानक हुआ जी, तो मैं सस्पेंड पड़ा, चूँकि मेरी पत्नी आंगनबाड़ी सेविका हैं जी, और मैं चूँकि 2015 में मैं पारा शिक्षा से मैं इस्तीफा देकर के मैदान में आया था, अच्छा वोट भी मिला था। इस बार महिला जब हुआ तो थोड़ा सा मैं मुकरा, थोड़ा सा मैं सोच में पड़ गया, लेकिन चूंकि मेरी बेटी रोशन परवीन बीएससी कैंडिडेट भी हैं, और इसे इसका सोच था कि मैं कोई पदाधिकारी बन करके या जनप्रतिनिधि बन करके मैं जनता के बीच ही मैं सेवा करूं, क्योंकि मेरा सोच था एक पिता होने के नाते मैं इसको मैं मेडिकल लाइन में भेजना चाह रहा था, लेकिन बेटी का सोच हुआ कि नहीं मैं मेडिकल लाइन में नहीं जाऊँगी। बेटी का कहना हुआ कि मैं जनता के मैं सेवा करना चाहता हूँ, चाहे मैं पदाधिकारी बन के सीओ बीडीओ और अपना पिता दादा का सपना जी, तो इसका सोच हुआ। अचानक बोली कि पिताजी अगर जिला परिषद का सीट अगर महिला हुआ है तो क्यों नहीं एक बेटी को मौका दिया जाए, आखिर आप जैसे पढ़े लिखे है ना पिता, अगर आप जैसे बेटी को अगर सम्मान नहीं दे सकते हैं तो कौन दे सकता है। तो मुझे भी इस बात का दर्द हुआ, मैं सोचा क्यों ना मैं अपनी बेटी को मैं आगे बढ़ाऊँ, तो मैं अवसर भी दिया, मैदान में उतारा, और मैं जहाँ तक मुझे बन पाया मैं बढ़ चढ़ के मैं भाग लिया, मार्गदर्शन दी, और बेटी निश्चित तौर पर मेराल दक्षिणी के एक एक जनता ने बेटी को आशीर्वाद दिए, और आशा ही नहीं मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले 14 तारीख को गढ़वा जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव भी है, और राजनीतिक गलियारों के में भी इस बात का चर्चा भी है कि रोशन परवीन गढ़वा जिला में एक लड़की चुनाव जीत करके आई हुई है, तो निश्चित तौर पर इसको उपाध्यक्ष के रूप में, चूंकि अध्यक्ष यहाँ पर महिला रिजर्व है, एससी महिला रिजर्व है, उपाध्यक्ष के रूप में लोग लाइक करना पसंद कर रहे हैं। मुझे ही आशा नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ के सभी दल के लोगों ने है ना, यहाँ के राजनीतिक लोगों ने, साथ ही साथ जो नवनिर्वाचित जिला परिषद है गढ़वा जिला के, सभी लोग एक बेटी को उपाध्यक्ष के रूप में आशीर्वाद देने का काम करेंगे, यह मुझे पूर्ण विश्वास है।